हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब? आप देख रहे हो हमारे चैनल फायर आर्मी ऑफिशियल। मैं हूं MKYT। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस आज का वीडियो पूरा देखना, ठीक है, स्किप मत करना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर गाइस अगर आप चैनल पर न्यू हो तो गाइस फटाफट लाइक करो, शेयर करो और गाइस कमेंट में बताओ गाइस कैसा लगा ये अपडेट, ठीक है। तो मैं ओवरऑल मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और गाइस आप देख सकते हो मैं अभी ये न्यू लॉबी है अपनी, वो भी 23 अपडेट की। सो गाइस यार, अगर आप फायर आर्मी ऑफिशियल पे न्यू हो तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को अपन। 25 के अपने कंप्लीट ही होने वाले गाइस, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। क्या पता आप आखिरी यहाँ पे 24.9 के आप आखिरी सब्सक्राइबर हो जो 25 के कंप्लीट कर दोगे, ठीक है गाइस। तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और गाइस आपने अभी देखा होगा यहाँ पे भूया का स्टाइल नया बिल्कुल चेंज हो चुका है, और यहाँ पे विक्ट्री के बाद आप मैच रिजल्ट कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है न्यू अपडेट में, ठीक है। और गाइस इस वीडियो को क्रेडिट जेसन सर को देना चाहता हूँ, उन्होंने प्रोवाइड करी काफी जल्दी में, और अभी मतलब टेंशन चल रहा है चैनल के साथ, तो मैं गाइस आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। तो आप गाइस न्यू आइटम देख सकते हो यहाँ पे जो पेन है, ठीक है, यहाँ पे जो अपना जो इंजेक्शन कह सकते हैं आप उसको, उसका क्या काम है, ठीक है। तो गाइस आपको सिर्फ आप क्लैश स्क्वाड में देखने को मिल जाएगा, एक बार डिटेल्स में फिर से बता देता हूँ। और जब भी आपका कोई पार्टनर नॉक होगा या फिर आपका टीममेट मरेगा, जब भी आप इसको यूज कर पाओगे, और गाइस आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हो। देखो गाइस कितना ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे वैसे मैं आपको इंजेक्शन का बता दूं तो आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हो, उसमें 100 HP आपकी प्रोवाइड करा देगा जैसे आप रिवाइव हो जाओगे अपने आप, ठीक है। अब गाइस अपने नेक्स्ट प्लेस की चल अब चलते हैं। तो गाइस ये है अपना फिशरमैन क्रीक, जो कि यहाँ पे ब्रेम नाम विलेज की जगह बना दिया गया है, ठीक है। और गाइस अब कुछ लोग कह रहे थे यार बरमूडा 2.0 वो सिर्फ CS में आएगा, तो गाइस यार उनने पर्टिकुलरली एक मैप का शो करा है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि CS में ही आए आपको, है ना, इन फ्यूचर यार मतलब इतना बड़ा जब मैप दिया है उनने तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, इस फ्यूचर में आएगा, भले ही रैंक में नहीं दिखे या फिर बरमूडा की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जरूर काम आएगा कि आपको फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाला है बरमूडा 2.0। बिकॉज यार जब वो मैप बना रहे हैं तो अगर सिर्फ उनको 4 प्लेस के लिए बनाना होता तो वो यार मैप क्यों दिखाते, कुछ और कर देते, कहीं और दूसरी जगह पर ले जाते। जरूरी थी कि बरमूडा में ही ये 4 प्लेस ऐड हों, और बरमूडा 2.0 क्यों, क्या पता वर्गेटरी में भी कर सकते थे और कहीं पे भी कर सकते थे यार। गाइस जरूरी थे कि गाइस यहाँ पे करें, तो मतलब कोई जरूरी नहीं था कि यार यहाँ पे करें। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बरमूडा 2.0 आपको क्लासिक में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, अलग से क्यों करते गाइस, बरमूडा ही क्यों चुना उनने, ठीक है, समझ रहे हो। तो गाइस यही है मेनली सिस्टम CS के लिए कि उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो गाइस आप ये देख सकते हो अपने ग्रेवयार्ड की जगह यहाँ पे एकेडमी, काफ़ी मस्त प्लेस लगी है गाइस मेरे को ये एकेडमी, वो कितनी सुंदर है गाइस आप देख सकते हो, पूरे ग्रेवयार्ड का घर है उसमें कलर कर दिया है बस, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस वैसे ही अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो गाइस फटाफट गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस फायर आर्मी ऑफिशियल को गाइस सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जो भी नहीं हो यार प्लीज़ गाइस शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जल्दी बता दो कैसा लगा ये अपडेट, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, 100 लाइक का एम करते हैं अपन, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सुंदर सा यहाँ पे एक फाउंटेन है ग्रेवयार्ड की जगह, ठीक है, मतलब यहाँ पे एकेडमी में, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सी प्लेस है। अब गाइस नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। तो ये आती है अपनी हाइड्रो पावर, जो कि अपने जो डैम के डैम में बनी है, यहाँ की रिवर साइड का जो डैम होता था, ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे 3 ब्रिज बना दिए गए हैं, और यहाँ एक हाइड्रो पावर नाम की जगह काफी मस्त सी लगती है गाइस, क्लैश स्क्वाड में गाइस मजा आ जाएगा इस जगह पे। और गाइस आप नीचे कूदोगे तो नीचे पानी पानी है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो बहुत ही मस्त प्लेस है गाइस ये भी। और देख सकते हो गाइस कितनी सुंदर लग रही है, मतलब बरमूडा 2.0 का गाइस कंसेप्ट काफी अच्छा है, तो होपफुली आपको वहाँ पे बरमूडा 2.0 क्लासिक में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, होपफुली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप पूरी जगह मैं आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ, आप देख सकते हो कितना अच्छे से डैम वैम लग रहे हैं, कितना मस्त प्लेस लग रही है, और आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, और ये पानी पानी है नीचे एकदम, और नीचे टायर्स भी है गाइस, नीचे टायर्स से भी आप ऊपर चढ़ सकते हो, अभी ग्लिच चल रहा है बट वो जल्दी फिक्स हो जाएगा, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा चल रहा है यहाँ पे पौंडनी का फाउंटेन, और आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जोन को यहाँ पे आप देख सकते हो चढ़ने का रास्ता है। अब गाइस नेक्स्ट प्लेस चलते हैं, और आखिरी प्लेस है अपनी, तो ये है अपना क्या ही बोलूँ, यागामी गार्डन, ठीक है, इसको सेंटोसा की जगह रिप्लेस करा गया है गाइस, बहुत ही अच्छा है ये भी, और गाइस बहुत सुंदर सा लगता है, मतलब एकदम वो समुराई वाली फीलिंग आती है गाइस यहाँ पे, वो समुराई का पहले मोड आया था ना वाली फीलिंग आती है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने आपको बरमूडा का कंसेप्ट भी समझा दिया है, बरमूडा ही क्यों चुना, अगर उसकी जगह आप कोई दूसरी प्लेस भी दे सकता था फ्री फायर, बट बरमूडा ही उन्हें वहाँ पे सिर्फ 4 प्लेस के लिए गाइस क्यों करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस यही गाइस बेसिकली कॉन्सेप्ट था, एक न्यू भूया का एनिमेशन मैंने आपको बता दिया, न्यू लॉबी बता दिया है, और न्यू आइटम भी बता दिया, उसका यूज़ भी बता दिया है, ठीक है। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो एक न्यू प्लेस पूरी एक्सप्लोर करा दी है मैंने आपको, ठीक है।
तो आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना और कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ फायर आर्मी को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बाय बाय।